छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नई पुरानी। ये सोच सयानी। छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नई पुरानी। ये सोच सयानी। पर्यावरण स्वच्छ रहे, दिल से अपनाए। कपड़े की थैली को अपना दोस्त बनाए। सब्जी भी प्लास्टिक में घर में अब ना लाए। ऐसी सोच को सबके दिल में जगह बनाए। याद दिला दे प्लास्टिक को हम उसकी नानी। ये सोच सयानी। ठाकुर विलेज के लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक से वो अपना नाता तोड़ रहे हैं। रेजिडेंट फोरम की कोशिश का देखो फल है। कपड़ों के थैलों से रिश्ता जोड़ रहे हैं। इन सीड की ये पहल सफल हो सबने ठानी। ये सोच सयानी। छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सबने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नई पुरानी। ये सोच सयानी। टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जिस्म लेना हम तो बम ये फट जाएगा, के बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जिस्म लेना हम तो बम ये फट जाएगा, के बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा। के कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, के कुदरत की हनस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 2 अक्टूबर 2019 यानी कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री बनाने के लिए एक जन आंदोलन की बात कही है। उसी के तहत हम साथ आप देख रहे हैं कि वृद्ध स्वतंत्रता से इतनी जो लगभग 1 घंटे से गाड़ी पे खड़े हैं, तो सबसे पहले इनके इस बहुत बड़े सहयोग के लिए तालियां दिया जाए। इसके साथ आप देख रहे हैं कि लगभग हमें लगता है कि 2000 से ज्यादा बच्चे बच्चियां, कितने 3000 बच्चे बच्चियां 1 घंटे से लाइन में खड़े होकर करतल ध्वनि से लोगों का स्वागत कर रहे हैं। इनके इस सहयोग के लिए बच्चे बच्चियों के लिए एक बार जोर से तालियां। तो तीसरी बात है, आपने देखा कि न्यूज़पेपर के जो ठोंगे बखवाए गए हैं इसको किसने बनाया है,
जिला जेल में मौजूद लगभग 2000 कैदियों ने, जिसको कि बुलंदशहर बाजार के अधिकतर दुकानदारों को आज जिला प्रशासन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दिया गया है कि आगे भी इसको कंटिन्यू करके पूरे बुलंदशहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करना है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को इस बड़े मुहिम में, बड़े कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और इस आशा के साथ, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, इस आशा के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बुलंदशहर करने के लिए आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि मेरा ये मानना नहीं है कि जाइए जबरदस्ती प्लास्टिक छीनिए और जुर्माना लगाइए। मेरा ये मानना है कि इसके साथ साथ सस्ते दर पे कागज और जूट के बने हुए थैला खोला भी उपलब्ध करवाए ताकि गरीब दुकानदारों को एक सहयोग मिले और इसे बुलंदशहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करवाया जाए। तो हमें आशा है जिस तरह का सहयोग हमें आज मिला है, उस तरह का सहयोग हमें नहीं, स्वयं को सहयोग करिए, अपने बाल बच्चों को सहयोग करें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के उपयोग से सारा जन मानस प्रभावित होता है, तो हमें भी सहयोग करें, स्वयं को सहयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक रोक कर और जूट और कागज के बने हुए थैले और थैलों को यूज करके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टिक टिक ना पाए रे।